प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा एवं ज्ञापन में मांग की गई कि अगर मालवा के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में सीहोर में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया जिससे उनकी भावना आहत हुई है। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी की मांग है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो एवं प्रतिमा के आसपास बाउंड्री वॉल की जाए एवं सीसीटीवी लगवाए जाए जिससे ऐसे असामाजिक तत्व पर लगाम लग सके। यदि प्रशासन प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी की मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। शाहजहांपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति को आए दिन तोड़फोड़ की जा रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उसको लेकर के प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और आने वाले सोमवार के दिन प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी जिला इकाई तत्वधान में ज्ञापन दिया जाएगा और धरना आंदोलन किया जाएगा। इस विषय को लेकर के आज यहाँ पे हम लोग आए थे। तो कहीं अभी नई घटना हुई है? हाँ, नई घटना हुई। सीवर जिले के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति टूटी है और आगर जिले के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पत्थर से तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया है। ऐसे गंदे कृत्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर के हम पूरे मध्य प्रदेश में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी धरना आंदोलन की जरूरत पड़ी धरना आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानना है। सोमवार को क्या रहेगा आपका? सोमवार के दिन हम मध्य प्रदेश सरकार का जो नियमावली, उस नियम के मुताबिक हम कुछ लोग आकर के राष्ट्रपति मोदी के नाम ज्ञापन देंगे कि मध्य प्रदेश की हालत ये है, ये स्थिति है। हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब के माध्यम से यही हमारा कार्य।